गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की 40 टीमों ने लखनऊ, गाजियाबाद और देहरादून समेत 17 जिलों और शहरों में छापेमारी की है। सीबीआई ने यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में छापे मारे। आपको बता दें कि सीबीआई लखनऊ के एंटी करप्शन विंग ने रिवर फ्रंट घोटाले में करीब दर्जनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा और आगरा में छापेमारी की गई। रिवर फ्रंट घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ, जिसमें छापेमारी अब शुरू कर दी गई है। दरअसल रिवर फ्रंट घोटाले के आरोप समाजवादी पार्टी सरकार पर लगते रहे हैं। रिवर फ्रंट सपा सरकार में गोमती नदी के किनारे बनवाया गया था, जिसका सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रचार करते रहे। आइए आपको बताते हैं कि गोमती रिवर फ्रंट घोटाला है क्या। सबसे पहले जानिए कि पूरा मामला क्या है। योगी सरकार ने 30 नवंबर 2017 को समाजवादी पार्टी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच की सिफारिश की। लखनऊ स्थित सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ने 19 नवंबर 2020 को रूप सिंह यादव और राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया था। ईडी भी मामले की पड़ताल में जुटी है। ईडी रूप सिंह यादव समेत कई आरोपियों की संपत्तियां भी अटैच कर चुकी है। मानकों को ताक पर रखकर बांटे गए थे टेंडर। ईडी की अब तक की पड़ताल में खुलासा हुआ कि गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में मनमाने तरीके से टेंडर बांटे गए। डायफ्राम वॉल की ऊंचाई 14 फुट से बढ़ाकर पहले 16.5 फुट और बाद में 18 फुट तक कर दी गई। कई निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों को टेंडर की तारीख निकलने के बाद टेंडर दिए गए। निर्माण से जुड़े फंड को बिना आदेश के डायवर्ट किया गया। ईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चला कि प्रोजेक्ट से जुड़े ठेकेदारों को तय लागत से ज्यादा का भुगतान किया गया। ठेकेदारों के जरिए इंजीनियरों को कमीशन पहुंचाया गया। कई ऐसे ठेकेदारों को भी टेंडर दिए गए जो सिंचाई विभाग में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। इसके लिए टेंडर की आखिरी तारीख पर उनकी कंपनियों को विभाग में रजिस्टर किया गया। छापेमारी में बरामद दस्तावेजों से ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों के बीच मनी ट्रेल के सामने आने की आशंका है। आइए आपको बताते हैं कि कुल मिलाकर कौन कौन सी गड़बड़ियां मिली हैं। सबसे पहले इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट बढ़ाया गया। पर्यावरण की एनओसी नहीं ली गई। नियम और मानक विरुद्ध टेंडर दिए गए। गोमती की सफाई से ज्यादा सौंदर्यकरण पर जोर दिया गया। डायफ्राम वॉल से पर्यावरण को नुकसान और प्रोजेक्ट के नाम पर ढेरों विदेश यात्राएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।